दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ अरविंद मुराड़िया, जो कि आप सभी को एक रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा भारत की विरासतों को अवार्ड दिया गया है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं उन सभी के बारे में जिसको यूनेस्को ने अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं उन सभी के बारे में। यूनेस्को ने हाल ही में किस परियोजना के लिए 2 विरासत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, यानी कि यूनेस्को के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कौन सी परियोजना है जो यूनेस्को के द्वारा यह बताया गया है? तो निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को यह अवार्ड दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट विन 2 यूनेस्को अवार्ड। तो निजामुद्दीन जो प्रोजेक्ट है उसको 2 अवार्ड दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा हाल ही के अंदर। तो यह निजामुद्दीन की जो दरगाह है वह ये है, दिल्ली के अंदर है ये। तो यूनेस्को कन्फर्म्ड 2 अवार्ड फॉर कंजर्वेशन एफर्ट निजामुद्दीन बस्ती इन कैपिटल। निजामुद्दीन एरिया जो इन सभी के हजरत निजामुद्दीन बस्ती एंड सुंदर नर्सरी, तो इनके बारे में हम जो ये अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो शहरीकरण को विनिर्मित करने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो 2007 में चलाया गया था, इसके बारे में जानेंगे अभी। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसके बारे में। यूनेस्को ने राजधानी में निजामुद्दीन बस्ती के संरक्षण प्रयासों के लिए 2 पुरस्कार प्रदान किए गए। निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं के मकबरे, याद रखिएगा हुमायूं के मकबरे कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है, जो विश्व धरोहर स्थल और हजरत निजामुद्दीन बस्ती और सुंदर नर्सरी की सदियों पुरानी बस्ती, जो 16वीं शताब्दी में बसियावाला मकबरे ध्यान परिसर और 16वीं शताब्दी के दरबारी कवि खान का मकबरा शामिल है। खान रहीम और अजीमगंज सराय के मुगल काल के करवा सराय। शहरी नवीनीकरण परियोजना, ये याद रखिएगा, शहरी नवीनीकरण परियोजना के तहत 2007 में शुरू की गई थी। संरक्षण क्षेत्र और इन अलग अलग क्षेत्रों को काफी सांस्कृतिक महत्व व ऐतिहासिक जिले में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। मतलब इसके द्वारा जो अननोन जो साइट है उनको एक तरह के उनकी संस्कृति को महत्व देने के लिए, उनके क्षेत्रों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसी के कारण जो इफेक्ट आए हैं, जो इनको सही करने का या उनको दिखाने के कारण जो संरक्षण किया गया है निजामुद्दीन बस्ती के लिए, तो इसीलिए यूनेस्को ने उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट के माध्यम से यह है, ये ध्यान रखिएगा, 70 एकड़ की जमीन है। ये जो नर्सरी है यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, हुमायूं टॉम्ब है और सुंदर नर्सरी और निजामुद्दीन बस्ती। यूनिफाइड 3 मेजर साइट्स नेम किए गए हैं, सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन बस्ती और हुमायूं टॉम्ब। ये तो सभी हो गए, हुमायूं का मकबरा और बतासीवाला मकबरा जो 16वीं शताब्दी में कवि रहीम का मकबरा है, खान आई खानन। तो थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।